दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम जूलॉजी सेक्शन विच सेज बोथ वैक्सीन एंड कोलोस्ट्रम प्रोड्यूसेस इम्यूनिटी नेम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाई बोथ। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा जान लें, इम्यूनिटी क्या होता है और इसके कुल कितने टाइप्स होते हैं। सो इम्यूनिटी इज बेसिकली बॉडीज एबिलिटी टू रेसिस्ट इन्फेक्शन। इसके कुल दो टाइप्स होते हैं, पहला इनेट इम्यूनिटी जो कि एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस करने का मतलब ये है कि जब भी कोई पैथोजन हमारे बॉडी को फेस करेगा तो सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी को ही बाईपास करना होगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और कुछ फैगोसाइटिक सेल्स हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस एट्सेट्रा। सेकेंड टाइप है एडेप्टिव इम्यूनिटी जो कि फर्दर दो टाइप्स में क्लासीफाई होते हैं, पहला एक्टिव दूसरा पैसिव। सो एक्टिव इम्यूनिटी इज डेवलप्ड ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन वंस ऑन बॉडी, वेयर एज पैसिव इम्यूनिटी इज डेवलप्ड बाय द एंटीबॉडीज दैट आर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड एंड देन इंट्रोड्यूस इन टू द बॉडी। सो कोलोस्ट्रम क्या है? कोलोस्ट्रम मदर्स मिल्क है। मदर्स मिल्क में बहुत सारे एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। सो मदर्स मिल्क में हम जो एंटीबॉडीज वो डायरेक्टली न्यूबॉर्न बेबीज में जा रहा है। सो ये किस तरह का हो गया? ये हो गया एक्टिव इम्यूनिटी। और जो वैक्सीन है, फॉर एग्जांपल अभी जो कोरोना वायरस फैल रहा है उसमें उसके जो सरफेस है उसमें स्पाइक प्रोटीन होता है और वो स्पाइक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फेक्शन का। तो हम क्या करते हैं कि उस स्पाइक प्रोटीन का कुछ हिस्सा को नॉन इम्यूनोजेनिक बनाते हैं। नॉन इम्यूनोजेनिक का मतलब है कि वो वायरस का हिस्सा तो है लेकिन अगर बॉडी में जाएगा तो वो स्प्रेड नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं कि जो वैक्सीन होता है उसके पार्ट्स को लेते हैं, उसको नॉन इम्यूनोजेनिक बनाते हैं और फिर इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, और बॉडी खुद उस जो वैक्सीन का जो वायरस का जो पार्ट है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, एंड हेंस दिस इज काइंड ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि वैक्सीन प्रोड्यूसेस पैसिव इम्यूनिटी वेयर एज कोलोस्ट्रम प्रोड्यूसेस एक्टिव इम्यूनिटी। दैट्स ऑल, थैंक यू।